देखना जी कौन है दरवाजे पर। ये लोग भी खाली हैं क्या? सुबह ही सुबह किसी के भी घर चल दो मुंह उठा के। सरप्राइज, मैं आ गई। भाई बड़ी पागल है ये लड़की, मैं इतना घबरा गई कि पता नहीं कौन है, सारा घर गंदा पड़ा है इतना। ये कोई टाइम है घर आने का? अरे भाई मेरा घर है, मेरा मन किया मैं आ गई। तेरा घर नहीं है ये मेरे नाम पे है। वैसे तो इतने डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं थी अम्मा जी, पर ठीक है। इसने तो टिकट भी तत्काल की कराई होगी और महंगी पड़ी होगी, इसे तो बस पैसा बिगाड़ना आता। लो बताओ, हमारे पैसे से हमें सरप्राइज दे रही है। नहा कर आई है? नहीं। लो बताओ इनके लिए, दोबारा पानी गर्म करो फिर बिजली फूंको, वहीं से नहा के आ जाते। पहले से बता देती कि आ रही है तो खाना तो तैयार मिलता, अब 3-4 घंटे बैठी रहे। रास्ते में डेयरी पड़ती है, वहाँ से दूध लेके आ जाती। इतनी तो अकल नहीं है बस इसमें? पर फिर सरप्राइज कैसे रहता? हमें नहीं चाहिए सरप्राइज, 80 साल की हो गई हूँ ना झिला सरप्राइज तो। अरे कितने दिन रुकेगी? 1 महीना कह के सरप्राइज मत दे दियो। मम्मी आपका मन है तो मैं अभी चली जाती हूँ। चुपचाप अंदर जाके बैठ जा। गुस्सा तो नाक पे ही रखा रहे, मेरा खाना बना दे संगीता, भूख लग रही है।